हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन अड्डा। हम लोग क्लास 9th एमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 20 डेज का क्रैश कोर्स कर रहे बच्चे, और ये जो हमारा लेक्चर्स है ये हमारा फिजिक्स का सेकंड लेक्चर्स है। इसमें हम लोग फोर्स एंड प्रेशर का फर्स्ट लेक्चर को कम्प्लीट कर लिया था, जिसमें फोर्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे वो सभी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। इस लेक्चर में हम बचे हुए पार्ट्स को, जितने भी बचे हुए टर्म्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी क्या कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कोई भी डाउट होगा आप सभी को इस लेक्चर से रिलेटेड। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है बच्चे, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले जो दो चीज़ हमारा बच गया था फोर्स के बारे में बताना, उस लेक्चर में हम आपको नहीं बता पाए थे। तो फोर्स का जो होता है, फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सबसे पहले चीज़ आप लोग को बता देते हैं कि मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, ठीक है बच्चे, क्या बता देते हैं कि मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं और डायरेक्शन, ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू का ही दूसरा नाम है मैग्नीट्यूड, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। बाकी डायरेक्शन जैसे हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये हमारे डायरेक्शन हो जाते हैं। तो कहीं पे अगर लिखा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, तो ठीक है ये 20 हमारा क्या है, ये 20 हमारा मैग्नीट्यूड है, क्या बच्चे 20 हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है 20 न्यूटन। और अगर कहीं पे साउथ ऐड कर दिया है इसमें तो ये साउथ क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है क्या है, ये हमारा डायरेक्शन है। तो फोर्स में ये दोनों चीज़ हमारा होता है, फोर्स में ये दोनों चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ होता है। इसी वजह से फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब दुनिया में जैसे हम लोग फिजिक्स में दो क्वांटिटी को पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज बच्चे, ठीक है, एक पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इतना क्वेश्चन टप आपको नहीं आएगा स्केलर और वेक्टर से, बट ये चीज़ बता देते हैं। स्केलर में क्या होता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताया था ना, ओनली क्या रहता है स्केलर में, ओनली हमारा मैग्नीट्यूड रहता है। स्केलर में क्या रहता है, ओनली हमारा मैग्नीट्यूड रहता है। वेक्टर में क्या रहता है, बोथ रहता है, दोनों रहता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। तो जब जिस क्वांटिटी में हमारा दोनों चीज़ें रहता है उसी वजह से उस चीज़ उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी मतलब जो भी चीज़ हम लोग मेजर करते हैं, मेजरेबल चीज़, उसी को हम लोग क्वांटिटी समझते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो वो फोर्स को अगर कोई पूछ ले कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। किस वजह से है, क्योंकि दोनों इसमें चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग प्रेशर को स्टार्ट करेंगे, थ्रस्ट और प्रेशर। प्रेशर किसको कहते हैं बच्चे, ठीक है, कोई भी चीज़ फोर्स प्रेशर का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक क्या है, एरिया है, ये एक ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक का एरिया इतना सा यहाँ पे आपको एरिया लिखा हुआ नजर आ रहा होगा बच्चे, ठीक है, इस एरिया का और फोर्स लग रहा है। तो इसी स्पेसिफिक एरिया पे जितना हमारा फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं क्या, प्रेशर बोलते हैं। इसी वजह से प्रेशर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है बच्चे। तो डिफिनेशन के बारे में बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगेगा तो वो हम लोग बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है, पास्कल होता है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, साइंटिस्ट के नाम पर यह चीज रखा हुआ है, ये चीज समझ में आया। अब देखते हैं कि प्रेशर इन फ्लूड, फ्लूड में कैसा प्रेशर होता है, फ्लूड मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, फ्लूड मतलब लिक्विड नहीं बोल सकते, फ्लूड मतलब होता है वो चीज़ जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी हो, जो चीज़ फ्लो होता हो हमारा, बहने की एबिलिटी हो, उसी को फ्लूड बोलते हैं। गैस भी एक तरह का हमारा फ्लूड है। तो अगर प्रेशर इन फ्लूड के बारे में बात करें तो एक एग्जाम्पल में ले लिया कि फ्लूड में हम लोग लिक्विड ले लिया, हम लोग लिक्विड प्रेशर पढ़ते हैं, जैसे गैस और लिक्विड दो चीज़ हम लोग फ्लूड में पढ़ते हैं, गैसेस पढ़ते हैं और लिक्विड पढ़ते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आपको क्या लग रहा होगा, इस कंटेनर में आपका वाटर रखा हुआ है, और इस वाटर से क्या हो रहा है कि ये वाटर जो है ये पूरे ग्लास के पूरे सरफेस एरिया पे प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर अगर उसी ग्लास में, उसी कंटेनर में छेद कर दिया जाए तो 3 छेद कर दिया गया है, तो वाटर जेट का जो प्रेशर है, जो वाटर जेट का प्रेशर है, जो वाटर का प्रेशर है, इस ऊपर वाले पे, टॉप वाले पे सबसे कम है, उसके बाद इस पे है, उसके बाद इस पे है। क्यों है भाई, क्योंकि ज्यादा प्रेशर यहाँ पे देख रहे हो, प्रेशर इंक्रीजेज इन डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ में आ रहा है तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर क्या पड़ते जा रहा है भाई, वेट बढ़ते जा रहा है उसका, जो हमारा ग्रेविटी के कारण वो चीज़ अट्रैक्ट हो रही है, ग्रेविटी स्टुअर्ट सेंटर, तो सभी मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ आ रहा है, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे हो रहा है। तो स्ट्रांगेस्ट जेट यहाँ, स्ट्रांगेस्ट जो हमारा जेट है वाटर का यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ।
ठीक है, ये एक वाटर है। तो इस तरह से प्रेशर हमारा क्या होता है, जनरेट होता है किसमें, फ्लूड में, या बात करें तो लिक्विड में। फ्लूड में हमारा गैसेस में भी इसी तरह से होता है, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि फ्लूड प्रेशर क्या होता है बच्चे, कि द प्रेशर एग्जर्ट बाय अ फ्लूड, फ्लूड में मतलब वो तो गैस हो सकता है या लिक्विड, दोनों हमारा हो सकता है, इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड मतलब इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द कंटेनर। कहने का मतलब ये है कि सभी डायरेक्शन पे, ये वाटर है तो यहाँ आप इसके इस सरफेस पे भी फोर्स लगा रहा है, मतलब इस सरफेस पे भी प्रेशर लगा रहा है, इस सरफेस पे भी प्रेशर लगा रहा है, नीचे तो लगा ही रहा है, नीचे तो लगा ही रहा है, इधर भी लगा 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 रहा है, और ऊपर भी लगा रहा है, ठीक है। सभी डायरेक्शन में ये हमारा प्रेशर लग रहा है बच्चे, ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेशर। अब बात करेंगे आप थ्रस्ट की, आप थ्रस्ट फोर्स किसको कहते हैं। अब जैसे ये एक बोट है, जहाज है, ठीक है, इसमें क्या है कि वेट ऑफ बोट जो है हमारा वो कहाँ, नीचे की तरफ है, और ऊपर जो वाटर जो है, ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसी को हम लोग अब थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। वाटर में जो हमारा ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, बोट पे जो फोर्स लग रहा है वाटर से, उसी को हम लोग अब थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। तो ये लिखा, क्या लिखा है कि द अपवार्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूड, फ्लूड के कारण जो अपवार्ड फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं अब थ्रस्ट फोर्स, और बियॉन्ड फोर्स या बॉन्सी फोर्स बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं और बॉन्सी फोर्स बोलते हैं। किसको, जो हमारा अपवार्ड फोर्स लग रहा था, यहाँ पे इस कंटेनर में भी जो ये अपवार्ड फोर्स है, इसी अपवार्ड फोर्स को हम लोग अब थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, अब थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे। जैसे इस वाटर में हमारा वेट का जो बोट का जो वेट है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, और वाटर भी उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, बैलेंस कंडीशन में है, इस वजह से बोट तैर रहा है। अनबैलेंस में होता तो हमारा क्या होता। अब फ्लोटिंग का कंडीशन हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रेशर, तो वहाँ पे ये फ्लोटिंग का क्या क्या कंडीशन है ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल सा अप थ्रस्ट फोर्स समझना है कि अप थ्रस्ट फोर्स किसको कहते हैं। तो जो अपवार्ड फोर्स होता है फ्लूड में, मतलब फ्लूड में चाहे वो लिक्विड में चाहे वो गैसेज में, अपवार्ड वाला फोर्स होता है, उसी अपवार्ड फोर्स को हम लोग अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं और बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अपवार्ड फोर्स है, तो ये प्रेशर से रिलेटेड था, ठीक है, प्रेशर से रिलेटेड था ये चीज। इसमें दो चीज तीन चीज और है, हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है बच्चे, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फ्लूइड एंड प्रेशर है, एटमोस्फेयर अब थ्रस्ट फोर्स है, एटमोस्फेरिक प्रेशर इसमें नहीं है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग बचे हुए पार्ट्स जितने हैं वो चीज हम लोग पढ़ लेंगे बच्चे, ठीक है। इससे प्रेशर से रिलेटेड एक टॉपिक छूट गया है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो बच्चे आप सभी क्या करेंगे, जो भी बच्चे इस चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कहीं पे भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।